بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وعلي وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى <�ifs> الله على حبيبي محمد وعلي وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وعلي وسلم بسم الله الرحمن الرحيم वर वबीमिन अल्लाह सुबहान वाली का बेहद करम बेहद फजल बेहद शिक्र जिन्होंने मौका और तोफी अता फरमाई जिंदगी की बेशुमार नमते अता फरमाई अल्लान वाली के फजलो करम से बात बनी है मालिक सब की बात हमेशा बनाए रखें रमजान मुबारक अपनी रखम बरकतों अजमतों के साथ अपनी मंजिल की तरफ तेजी के साथ रवा दवा इन मुबारक दिनों में अपने रब को खूब राजी करने की कोशिश कीजिए और इस आखिरी अशरे की मुबारक रातों में अल्लाह सुबहान वाली की रहमत ये चाहती है कि उसके महबूब के गुलामों की बख्शिश का बन जाए। इमाम सबबीन राज अपनी मशहूर तफसर तफसर कबीर में फरमाते हैं कि अल्लाह सुबहान तब कदर को चंद वजुहत की बिना पर पोषिदा रखा अव्वल ये कि जिस तरह दीगर अशिया को पोशीदा रखा मसलाजल ने अपनी रजा को अपनी इतातों में पोशीदा फरमाया ताकि बंदे हर एतात में रगबत हासिल करें अपने गज़ब को गुनाहों में पोशीदा के हर गुनाह से बचते रहें और अपने वली को लोगों में पोशीदा रखा ताकि लोग सब की तजीम करें दुआ की कबलीत को दुआ में पशीदा रखा कि सब दुआओं मुबालगा करें और इसमें आजम को असमा में पशीदा रखा कि सब असमा की तजीम करें और सलाद वस्ता को नमाजों में पशीदा रखा ताकि तमाम नमाजों पर इसकामत अख्तियार करें और तोबा को पोशीदा रखा कि मुख्य बंदा तोबा की तमाम अकसाम पर हमेशा कायम रहे और मौत का वक्त पोशीदा रखा कि बंदा हर वक्त खौफ खाता रहे इसी तरह शब कदर को भी पोशीदा रखा कि रमजान मुबारक की तमाम रातों की तजीम करें और दूसरा ये कि गोया अल्लाह सुबहान व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर मैं शब कदर को मुअय्यन कर देता और ये कि मैं गुनाह पर तेरी जुर्रत को भी जानता हूं अगर कभी तुझे अपनी नफ्स की हवाशात पर चलते हुए इस रात में तुम्हारा नफ्स में मासियत के किनारे यानी गुनाह के किनारे ला छोड़ता। तो गुनाह में मुबतला हो जाता तो तेरा इस रात को जानने के बावजूद गुनाह करना लाइल्मी के साथ गुनाह करने से बढ़कर सख्त होता। इस बाब से मैंने उसे पुशीदा रखा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तालालाइहि वालेसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो एक शख्स को सोते हुए पाया इर्शाद फरमायाद इसे उठाओ के कर फरमाया। फिर की या लिए लिए आप सल सल्लाह तो नेकी की तरफ ज्यादा सबगत फरमाने वाले है आप अलैहि सल्लाम ने खुद उसे बेदार क्यों ना फरमाया इर्शाद फरमाया इसलिए कि उसका तुझे इनकार कर देना कुफर नहीं है अगर आप उसे उठाएं और वो इनकार कर दे उठने से तो इससे कुफर में वो मुबतला नहीं होगा मगर अल्लाह का नबी उसे उठाए और वो उठने से इनकार कर दे तो उसका अल्लाह के नबी को इनकार करना उसे कुफर में दाखिल कर देगा ईमान से फारक कर देगा अल्लाह के महबूब किस तरह अपने गुलामों का ख्याल करते थे तो जब रहमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हाल है कि वो गवारा नहीं करती कि मेरा गुलाम सोते की हालत में सोते हुए भी कहीं नाफरमानी ना कर दे कुफर में मुब्तला ना हो जाए तो अल्लाह सुबहान वाली इशाद फरमा रहा है अल्लाह सुबहान वाली के फिर रखमत को आप खूब देखें अगर अल्लाह के महबूब ये नहीं चाहते तो अल्लाह की रहमत का क्या आलम होगा सुबहन व ताल फरमाता है, अगर तू शब कदर को जानता इसमें इबादत करता तो हजार माह से ज्यादा का स्वाब कमाता और हर चीज के हर तस्वीर के दूर होते हैं फरमाया अगर इसमें तू गुनाह करता तो हजार महीने की सजा भी पाता और सजा का दफा करना दूर करना स्वाब लेने से बेहतर है तीसरा यह कि मैंने इस रात को पोशीदा रखा ताकि बंदा इसकी तलब में मेहनत करे और मेहनत का स्वाब कमाए जब बंदे को शब कदर का यकीन हासिल न होगा तो रमजान मुबारक की हर रात को अल्लाह सुबहान की कीतात में कोशिश करेगा इस उम्मीद के साथ हो सकता है यही रात शबे कदर हो तो इनके साथ अल्लाह ने फरिश्तों को भी सुबह फरमाई और इशाद फरमाया कि तुम इन इंसानों के बारे में कहते थे कि झगड़ा करेंगे खून बहाएंगे हालांकि ये तो इस वो मानशुदा रात में भी मेहनत तो और कोशिश कर रहे अगर मैं इस रात का इल्म अता कर देता तो फिर कैसा होता अल्लाह सुबहान वाल फरमाते हैं कि जो फरिश्तों को जवाबा इरसाद फरमाया था फरिश्तों ने कहा था जब अल्लाह ने इंसान को बनाया कि मैं जमीन पर अपना नए बनाने वाला हूँ तो फरिश्तों ने कहा था वो तो फसाद करेगा कत्लो गत करेगा दंगा फसाद करेगा अल्लाह सुबहान ने फरमाया था कि जो मैं जानता हूँ फरिश्तों वो तुम नहीं जानते तो अल्लाह सुबह की जो रखमत है बड़ी ही वसी है हमें अल्लाह सुबहान तहमत को बयान करना चाहिए समझना चाहिए के जो मालिक सत्तर माओ से बढ़कर प्यार करता है वो कब चाहेगा कि उसके बंदे को अजाब हो कोई तकलीफ पहुंचे आज हर इंसान ये तो सुनता है कि कब्र के अंदर जाएगा तो ये होगा कब्र के अंदर जाएगा तो वो होगा हम क्यों कब्र की नेमतों के बारे में बात नहीं करते हम ये क्यों नहीं कहते कि वो सबसे बेहतरीन दिन होगा जब हम अपने रब से मिलेंगे हमें यह क्यों नहीं बताया जाता कि जब हम इस दुनिया से कूच करेंगे तो हम अरहमर्राहमीन की लहमादूद और रहमत और मोहब्बत के साय में होंगे वो रहमान जो माँ से भी ज्यादा मेहरबान है अल्लाह के महबूब जानवर को देखा जो अपने पांव अपने बच्चे पर रखने से बचा रही थी तो आपने सहाबा से फरमाया बेशक हमारा रब हम पर इस मां से कहीं ज्यादा मेहरबान है क्यों हमेशा सिर्फ अजाब कबर की बातें हो रही है क्यों हमें मौत से डराया जा रहा है यहाँ तक हमें माजल्ला पुख्ता यकीन हो गया कि हमारा रब हमें मरते ही ऐसे अजाब देगा जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता हम क्यों इस बात पर मुजर है कि हमारा रब हमें सिर्फ अजाब ही देगा हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा रब हम पर रहम करेगा जब ये बात क्यों नहीं कहते कि जब कब्र में मोमिन साले से नकीर के सवाल जवाब हो जाएंगे तो हमारा रब कहेगा मेरे बंदे ने सच कहा इसके लिए जन्नत का बिछोड़ना बिछाओ और इसको जन्नत के कपड़े पहनाओ और जन्नत की तरफ से इसके लिए दरवाज़ा खोल दो और इसको इज्जत के साथ रखो फिर वो अपना मकाम जन्नत में देखेगा तो अल्लाह ताला से गिर घड़ा कर दुआ करेगा गप वर्दे गारियामतपा कर ताकि मैं इतमान के साथ जन्नत में चला जाऊं हम चाहिए कि ये बात बताए समझाए कि हमारा अमल सहले हमसे अलग ना होगा और कब्र में हमारा अल्लाह सुबहान बताला करम और फजल फरमाएंगे जब हमारे आमाल नेक होंगे अच्छे होंगे तो कोशिश करनी चाहिए अपनी आखरत की तैयारी भी करनी चाहिए दुनिया बसाने के लिए तो हर कोई तैयारी करता है मौत मोमिन के लिए नेक लोगों के लिए दुनिया के गमों और तकलीफों से राहत का जरिया है सालिहीन की मौत दर हकीकत उनके लिए राहत है इसलिए हमें दुआ सिखाई गई, अल्लाह मौत को हमारे लिए तमाम शरों से राहत का जरिया बना मौत जिंदगी का दवाम है और यही हकी जिंदगी और हमेशा के नेमतू का दरवाजा है हम ये क्यों छुपाते हैं कि रूह जिसमें कैदी है और वो मौत के जरिए इस जेल से आज़ाद हो जाती है और आलम बरजा की खूबसूरत ज़िंदगी में जहाँ मकान और जुबा की कोई कैद नहीं रहना शुरू करती है हम क्यों मौत को रिश्तेदारों से जुदाई गम के तौर पर पेश करते हैं क्यों नहीं हम यह सोचते कि यह अपने अबाओजदात अखबार और नेक लोगों से मुलाकात का जरिया है जहां हम यह सोचते हैं सुनते हैं कि कबर सांप का मुंह नहीं आदमी इसमें जाएगा और सांप उसको चबाता रहेगा बल्कि वो तो हसीन जन्नत और हिसेनाओं का अरूस है जो हमारे इंतज़ार में है अल्लाह से नेक उम्मीद रखो और अपने ऊपर खौफ तारी मत करो हम मुसलमान हैं इसलिए हमें अल्लाह की रकम से दूर नहीं भागना चाहिए अल्लाह ने हमें आज़ाद की खातर पैदा नहीं किया अल्लाह ने हमें बताया कि वो हमसे क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता और हम अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह की रजा के काम कौन से हैं और नाराजगी के कौन से हैं और हम दुनिया में आजाद हैं जो चाहे करें। अल्लाह सुबह की बारगाह में दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमारे अमाल का खात्मा बिल खैर करे हमारी आखिरी उम्र को बेहतरीन बना दे और सबसे बेहतरीन दिन वो जिस दिन आपसे मुलाकात होगी, होगीबाल रहमतुल्लही ने ममन की कफ़ीयत बवकते वफात बेहतरीन अंदाज में बयान की मर्द मोमन की तो नशाई यही है मर्द जो मोमिन है हो मोमन नेकोकार रब की इबादत करने वाला रब की रजा हासिल करने वाला तो फरमाते हैं मर्द मोमन की तो निशानी यही है कि जब मौत आती है तो मुसरत के साथ उसके ओंठों पर मुस्कराहट आती है फिर लोग कहते हैं कि कितना मुस्कराता हुआ चेहरा था तो चेहरा वही मुस्कराता है जिसके अमाल अच्छे हों जो रब की रजा के लिए काम करता हो रब की रजा हासिल करने के लिए जिंदगी गुजारता हो आप और हम सब के पास अभी वक्त मौजूद है इस रस्ते से हर एक, ने गुजरना है। हर एक जो भी दुनिया में आया उसने इस रस्ते से गुजर कर जाना है रब से तभी मुलाकात होगी इस रास्ते से एक दफा जरूर गुजरना है जिसे मौत कहते हैं कब्र कहते हैं तो जैसे दुनिया को आबाद करने के लिए कोशिश करते हैं वैसे आखरत को आबाद करने की भी कोशिश करें जिस रास्ते से आपने गुजरना ही गुजरना है उस रास्ते की फिर तैयारी भी करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिक हमें अमल की तोफी का फरमाए अपना अपने जाने वालों का और अपने आस पास रहने वालों का खास ख्याल रखिए असलकम वरम वर्कू